So hello guys, welcome to new video, and today's video is a story time video. I will upload two story time videos or more than it, but story time videos will be in Hindi because I don't like to make videos only in Bengali and English, so that I tried a new language. So stay tuned. तो ये बात है उस जमाने की। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? हाँ, तो एक दिन मैं वाइबर में मैसेज कर रहा था मेरे दोस्त के पास, जो ग्रुप होता है ना, वैसे एक ग्रुप में मैसेज कर रहा था। तो अचानक से मुझे एक इनबॉक्स में मेल आया, यानी कि मैसेज आया, वो जो भी बोले। तो उसके आईडी का नाम था अननोन करके। तो फिर मैंने चेक किया मैसेज, उसने पहले बोल रहा वो पहले बोल रहा था कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा घर कहाँ है, और फिर ये पूछा था मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसा सब कुछ बोल रहा था। मुझे पहले कुछ शक हुआ, मैंने ज़्यादा बहुत उसे कुछ नहीं बोला। फिर मुझे वो अचानक से बोला कि वो मेरा सब्सक्राइबर है। तो फिर मैंने बोला थैंक यू सो मच, तो मेरे चैनल का नाम बताओ। मैंने जस्ट वेरीफाई करने के लिए पूछा, तो फिर उसने बोला, ठीक से नहीं बोल पाया लेकिन बोला उसने। तो फिर मैंने ये भी पूछा मेरा सब्सक्राइबर कितना है, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना था। ऐसे अननोन या फिर जिसको मैं नहीं जानता हूँ वो आके मुझसे ये सब पूछेगा, तो फिर मुझे शक होगा ना, और फिर मैं तो नहीं बताऊँगा, तो ऐसा तो होगा ही। तो फिर मैंने सब कुछ पूछा, और फिर अचानक से उसने मुझे बोला मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। उसने अचानक से बोला कि वो मुझे पसंद करती है। तो फिर मैंने सोच रहा था मुझे कौन पसंद करेगा, ऐसा तो कोई नहीं। उसने ये भी बोला मैं वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है, मेरा सब्सक्राइबर है 266। इतना छोटा यूट्यूबर का कौन पसंद करेगा? तो फिर मैं पहले मजाक में उसको बोला तो आप मुझे सच में पसंद करते हो? उसने बोला कि हाँ सच में। बहुत क्राइंग इमोजी दे रहा था, मैं यहाँ पर स्क्रीन में दिखा दूँगा वो सारा स्क्रीनशॉट। तो फिर बहुत देर बाद मुझे बोला कि हाँ हाँ अब तो बोल रहे हो कि मुझे पसंद नहीं करते, जब स्कूल में पीछे पीछे घूमोगे तब पता चलेगा। मैंने बोला वाह भाई वाह, पढ़ाई लिखाई का टाइम नहीं, मैं लड़कियों के पीछे घूमूंगा, वाह बेटा मौज कर दी। तो फिर मुझे फिर से वो बोल रही थी कि आई लव यू, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो फिर मैंने बोला फार्मेजा निकल यहाँ से, मैं हूँ सटलौंदा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, ऐसे बहुत है कि उल्लू बनाते हैं लोग को। तो फिर मैंने भी बोला कि ऐसे बहुत देखे हैं मैंने। भाई मैंने नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले लिया था, उसको ये बोला था कि मैं ये नंबर पुलिस को कंप्लेन करूँगा, क्योंकि ऐसे कोई करता है भाई, बहुत देखा है मैंने, बहुत देखा है ऐसे नंबर को, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर वो अचानक से डर गया। तो फिर एक बार से वो मुझे मैसेज करना बंद कर दिया, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा उसने अपना आईडी का नाम चेंज कर लिया। देखा उसका नाम था अराफात, जो कि है मेरा एक दोस्त। फिर मेरा रिएक्शन था साले तू मुझे ऐसा करता है, रुक तेरे को देख लेता हो। उसको मैंने चैट के बीच में बोला भी था कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, उसने बहुत मना किया। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, वो आईडी का खेल है, अगर कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर तब मैंने नहीं किया। ये बात है पहले, मैं बोल रहा हूँ कि ये बात है 3 से 4 महीने पहले की। तो फिर मैं उसको बोल रहा हूँ जो कि वीडियो देख रहे हैं, अराफात तू अगर ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट कर, तुझको मैं फिन करूँगा साले। तो ये था आज का स्टोरी टाइम वीडियो। मुझे पता है मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलत है, बहुत गलती है, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।